हेलो, बात करना है हुज़ उसको छोड़ो, बात करना है अभी, टाइम निकालो, एक्सक्यूज मी, कौन बोल रहा है और बोल किस रहे हैं आप ये? बात करना है आपसे अभी। सबसे बात किया है तो हमसे ओ बात, हेलो हेलो, लिसन, आर यू मैड और व्हाट? खबरदार, या फोन किया दोबारा तो लिसन अभी बात करना, फाइनल करना है जो है अभी। मैं हमको आपसे बात कर दो, लिसन लिसन, यू 2 मिनट में ना पुलिस घर पे आके डंडे मार मार के लाल नहीं कर क्या क्या देगी। क्या वो किए हैं हम, चल चल, हमारे बकवास बनकर कुत्ते के बच्चे, पहले ये बता बोल कौन रहा है तू? नाम बता रहा है, नहीं बता रहा अपना तू? पुष्पा के पति बोल रहे हैं आपके यहाँ जो मेड है, कल से नहीं आएगी वो, उसकी जगह हम फोन कर रहे हैं, बात हो गई है उससे। हाँ भैया कैसे हैं आप? कल से नहीं आएगी, हमारी बात हो गई है पुष्पा से, वो भैया मैंने एक नहीं मिनट एक मिनट भैया नहीं एक मिनट आप मेरी बात तो बदतमीजी कर सुनिए रहे हैं, आप भैया, नहीं बदतमीजी कर भैया रहे हैं, एक मिनट हम मेरी फोन बात तो किए, हम सुनिए, फोन जब किए आप कह सॉरी रहे भैया हैं एक कि, मिनट बात तो सुनिए मेरी, जब हम कह रहे हैं आप चिल्ला रहे हैं भैया वो एक मिनट, नहीं नहीं आएगी कल से, भैया एक मिनट बात तो सुनिए आप हमको भैया, चिल हो बोल गई रहे हैं, गलती हमको चिल्ला के बोल रहे हैं, भैया, फिर आप हमको बोले पुलिस के हवाले कर देंगे, ये आप नहीं आएगी, खुद करो अपने काम, बोल रहे हैं भैया दिल पे क्यों पुलिस ले रहे हो आप ये सब बातें? अभी गुस्सा आ गया। हम पुष्पा से कह रहे थे हम बात करके देखते हैं, तुम्हारा जाने का मन नहीं है, अब हमारा भी मन नहीं है उसको भैया भेजने का, प्लीज माफ कर दो ना, छोटी सी बात थी। आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं हम, आप उससे पूछना पुष्पा से, मैंने कभी डांटा उससे आज तक, नहीं कभी वो कुछ नहीं आएगी, कहा? वो कहीं और हमारे एक मालिक हैं, उनके घर जाएगी कल से, वहां से काम करेगी, भैया नहीं हमारे देखिए घर मेरी नहीं, बात को समझिए, मैं पहले ही आप बहुत वो परेशान हूँ सुबह से सारे काम कर करके, कल भी नहीं अगर वो वो नहीं कल भी अगर वो नहीं आएगी तो मैं कैसे काम नहीं तो करूंगी? हमको बुरा आप एक लगा है, काम करो, आप आपको हमको बुरा लगा है, डांटे हैं, आपको बुरा लगा है, अच्छा आपको बुरा लगा है, आप मुझे आप डांट लो, आप मुझे डांटो, मेरी गलती है, आप मुझे डांटो, पर उसे कल भेज दो प्लीज। पुलिस की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वो पुलिस को हवाले कर देंगे बोल हम, दिया ना गलती मैं से, आप मेरे आपने को दे दो, आप एक काम करो, आपको बुरा लगा, अब मुझे दे दो धमकी बदले में, अब उसे भेज दो बस। आप मेरी हालत नहीं समझ रहे हो, यहाँ पे मैं सुबह से काम में लगी हुई हूँ, बच्चे को देख रही हूँ, खाना बना रही हूँ, तो वहाँ पे क्यों मदर इन लॉ को देख रही हूँ, आप क्यों मैं समझो ना, बोले यही तो नहीं, प्रॉब्लम है आपने ना डांटा पति। है हम, आप हमको डांटे हैं, नहीं नहीं उनको आप कैसे समझ नहीं रहे हो भेजे बात की, तो आप मुझे डांट लो ना बदले में, मैं कह तो रही हूँ मेरी गलती है, आप उसे भेज दो, लेकिन एक शर्त पे भेजेंगे, नहीं बोलो क्या शर्त है। भी रियलाइज हम कराना चाह रहे थे कि देखिए ना कितना ये काम करती हैं, कि आदमी को आदमी पति घर ना आए तो चलता है, लेकिन ये ना आए तो नहीं चलता है, हमारा तो खुद होता है, हमसे तो शो नहीं हो पाता है अगर नहीं आए तो, एक दिन में शो गाने चलाने और मुर्गा बनाना कहाँ अकेले करेंगे, हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है, हम सोचते हैं कि चलो यार आज मुर्गा बनाए ना, लेकिन मेड आती है तो सब हो जाता है, वो मेड फॉर ईच अदर है ना, तो नवेद बोल रहे हैं अभी आपको, सिर्फ मजाक किए बहुत खराब, वेरी बैड। हेलो, मैंने हेलो, कैन यू प्लीज टेल मी, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ रहती हो ये तो बता दो प्लीज, कम ऑन लेट्स चैट ना। हेलो हेलो, बड़ी चला को ट्रू कॉलर पे नंबर भी मिटा रखा है। ओके, कैन वी बी फ्रेंड्स, दोस्त बन सकते हैं। ओके ओके ओके, ये तो बता दो कहाँ है भैया, ठीक है रॉन्ग नंबर लग गया, वी कैन बी फ्रेंड्स ना। ओके चलो, अपने बारे में नहीं बताना चाहती तो मेरे बारे में तो पूछ सकती हो। हेलो, कैन यू हियर मी यार? या भाई लड़का हूँ, सो जा। ओहो, चल भाई गुड नाइट। हेलो कुड आई स्पीक टू मिस भाजी? हेलो, या मैडम हाय, आई एम कॉलिंग फ्रॉम, आपने अभी ऑर्डर किया था, मैं ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ, आपका ऑर्डर था 2 बर्गर्स 1 गार्लिक ब्रेड 1 कोल्ड ड्रिंक। या मैडम मैं जान सकता हूँ आप घर में कितने लोग हैं खाने के लिए? भैया अकेली हूँ मैं। हमारा एक ऑफर चल रहा है, अगर इसमें आप 6 रुपए ऐड करते हैं तो आपको एक टैको मैक्सिकनो फ्री मिलता है इस कॉम्बो ऑफर में। 6 रुपए, ठीक है कर दीजिए। मैडम मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ, अब आपका हो गया 2 बर्गर्स 1 गार्लिक ब्रेड 1 कोल्ड ड्रिंक 1 टाको मैक्सिकिनो, राइट मैम? ऑल राइट डन। मैडम इफ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू, आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं? भैया अकेली हूँ मैं, अकेले अकेले हैं। खाऊंगी। मैडम हमारा एक शेफ स्पेशल धमाका ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 7 रुपए एक्स्ट्रा देती हैं तो इसमें आपको फ्लोरोसेंट चिकन एक्सोटिका फ्री मिल जाएगा। ठीक है फिर, मानिए। ओके भैया कर दीजिए, कितना एक्स्ट्रा हुआ? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको। ठीक है ओके, नो मैडम आई प्रॉब्लम। रिपीट योर ऑर्डर, आपका ऑर्डर हो गया है 2 बर्गर्स 1 गार्लिक ब्रेड 1 कोल्ड ड्रिंक 1 टको मैक्सिकिनो 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका।
ठीक है, ओके मैडम। इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है, पिक धमाका कॉम्बो सुप्रीम ऑफर। इसमें मैडम अगर आप मुझे 8 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 1 मार्गरेटा फ्री मिल जाता है। मार्गरेटा पिज्जा? यस, 1 मार्गरेटा फ्री मिलेगा आपको। ठीक है, कर दीजिए भैया। ओके मैं आपका ऑर्डर रिपीट कर रहा हूँ। 2 बर्गर्स 1 गार्लिक ब्रेड 1 कोल्ड ड्रिंक 1 टाको मैक्सिकिनो 1 फ्रेंच चिकन एक्सोटिका एंड 1 मार्गरेटा। ठीक है भैया, कूल। राइट मैडम, हमारा एक ऑफर चल रहा है फैमिली फन मील। इसमें अगर आप मुझे 4 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो इसमें आपको डीलक्स वेजी स्पेशल थाली मिल जाएगी। क्या मिलेगा? डीलक्स वेजी स्पेशल थाली। ओके, कितना रुपीज एक्स्ट्रा देना है? 7 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। हाँ, कर दीजिए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ। 2 बर्गर्स 1 गार्लिक ब्रेड 1 कोल्ड ड्रिंक 1 टाको मैक्सिकेनो 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका 1 मार्गरेट एंड 1 डीलक्स वेज स्पेशल थाली। हाँ भैया, ठीक है। मैडम इफ यू डोंट माइंड, हमारा एक ऑफर चल रहा है, ओवरलोडेड ऑफर। इसमें अगर आप मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको इसमें एक चॉप ट्रफल केक फ्री मिलता है। कर दूं? हाँ, कर दीजिए। मैडम इफ यू डोंट माइंड, कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं आप? बस मैं अकेली हूँ। आप अकेली हैं? मैडम मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा एक ऑफर चल रहा है, लपड़ तपड़ खाया जाए, लपड़ तपड़ खाया जाए। इसमें अगर आप मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो आपको एक तंदूरी स्टफ पॉकेट मिलेगा। कितना? 6 रुपए। मैं आपका ऑर्डर रिपीट करता हूँ। 2 बर्गर्स 1 गार्लिक ब्रेड 1 कोल्ड ड्रिंक 1 टाको मैक्सिकिनो 1 फ्लोरेंस चिकन एक्सोटिका 1 मार्गरेटा 1 डीलक्स वेजी थाली 1 चोको ट्रफल केक एंड 1 तंदूरी स्टफ पॉकेट्स। भैया ये सब कितनी देर में आ जाएगा? मैं मैक्सिमम 35 मिनट में जान सकता हूँ। आप कितने लोगों के लिए मील मंगा रहे हैं? अकेले ही खाऊंगी। मैडम इफ यू डोंट माइंड, मैं बता सकता हूँ, अगर आप इसमें मुझे 12 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो हमारा एक ऑफर चल रहा है, ये भी ले ले, वो भी ले ले, सब लूट ले। इसमें आप अगर मुझे 6 रुपए एक्स्ट्रा देते हैं तो 4 साल का टर्म इंश्योरेंस हम आपको फ्री देते हैं। टर्म इंश्योरेंस 3 पॉलिसी आपको मिलेंगे, एक आपके आपके सिस्टर के लिए। मैडम आपका हो गया 1 बर्गर 1 गार्लिक ब्रेड। ओके मैडम इसमें हमारा ऑफर ये चल रहा है कि इस खाने के साथ आप हंसते रहे, मिर्ची के गुनगाते रहे, और मैं रेडियो मिर्ची नवेद बोल रहा हूँ, ऐसे ही ऑर्डर बढ़ाते रहे। लेकिन कमाल की बात ये है कि अकेली हैं आप घर में, कितने हैं, कितना खाए। हेलो कविता, दिस इज डॉक्टर पांडे कॉलिंग फ्रॉम हॉस्पिटल। हाय सर, हाउ आर यू? कैसी चल रही है आपकी ट्रेनिंग? वेरी वेल सर। कितना चिकन गुनिया है दिल्ली में, कितना डेंगू वायरल? वी हैव लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग हियर आल्सो फॉर दिस। आई वांट टू आस्क यू, हाउ इज इट ट्रांसमिटेड, लाइक डेंगू एंड चिकन गुनिया? सर, डेंगू इज स्प्रेडिंग बिकॉज ऑफ मस्कीटोज, दैट्स द मेन थिंग। सो जस्ट स्टे अवे फ्रॉम वाटर रिलेटेड प्लेस, कीप योर विंडोज क्लोज, सो दैट्स वन वे यू विल कीप मस्कीटोज अवे फ्रॉम योर सेल्फ, फ्रॉम योर हाउस। एंड चिकन गुनिया इज गेटिंग स्प्रेड थ्रू मंकीज एंड बर्ड्स एंड कैटल, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। व्हाट आर द सिम्पटम्स? सर, बेसिकली फॉर चिकन गुनिया इट्स फीवर एंड जॉइंट पेन, and then you know there's muscle pain and headache and nausea, fatigue, these are the main symptoms for chikungunya. Are you happy with the hospital? Of course sir, once I get permanent you will not even regret no, come here. Main kuch bhi nahi hu, Dr. Marshall hi aapko dekh sakte hain. Who's Dr. Marshall? Please, पहली बात तो आप मुझे नहीं पहचान रहे थे, ये इंडिया छोड़ के बहुत पहले चले गए थे और पूरा हॉस्पिटल इन्होंने चलाया है, and he's very strict. Actually he want to speak to you right now. Oh, all right, but sir, I don't know him. I don't know what he wants to talk about. I'm not prepared. You don't worry. मैं call transfer कर रहा हूँ. One second. But sir, Dr. Marshall. Hi, doctor. I'm Kavita. Kavita, सुन ली होगी कैसा डेंगू फैला पड़ा पूरी दिल्ली में? Yes, sir. Kavita, मेरी बात हुई, मैं अब तुमसे 5-6 सवाल पूछूंगा डॉक्टरी के. Yes, sir. Okay. कोई पेशेंट आवे तुम्हारे पास? Yes, sir. और ये कहवे के डॉक्टर साहब हैबत हो रही है मुझे बुरी तरह, हैबत कौन सी दवा दोगी? ये मान लो हैबत तो बहुत क्रिटिकल हो जा, कोई दूसरा बस आया डॉक्टर साहब जी घबरा रहा, मेरा जी घबरा रहा, क्या करोगी जी घबराने में? जी घबराने को तुम्हारे अगर समझ में आए, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है अभी, ये बताओ कितना जरूरी है, इमरजेंसी में पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, डॉक्टर साहब ऐसा हो रहा खाते ही पलट मार रहा वापिस सारा खाना, क्या करोगे इसमें? डॉक्टर फौजिया तो वहाँ है ऑपरेशन थिएटर में, या मान लो इमरजेंसी में तुम्हारी ड्यूटी लगी हुई है, कोई पेशेंट आ गया तुम्हारे पास, ये कह रहा डॉक्टर साहब सारे हाथ पैर खिंच जा रहे हैं मेरे, क्या करोगे ऐसे में हाथ पैर खिंचने में, और कह रहा साथ में सर भी फट रहा, या मान लो किसी को पतले पखाने हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं पतले पकाने, क्या करोगी? या कविता ये मानो कोई इमरजेंसी में आ गया, मैं हूँ नहीं उस टाइम, तुम ही हो, कोई आया डेंटिस्ट डिपार्टमेंट में, अगर तुम्हें लगा दिया मैंने डेंटिस्ट डिपार्टमेंट, कोई इमरजेंसी में आ गया, वो बोला दांत सलल सलल कर रहे हैं पूरे, क्या करोगे? वहां में दांत क्या कर रहे हैं? सलसल कर रहे हैं पूरे दांत सलसल कर रहे हैं, या कोई तीसरा पेशेंट आ गया वो कहने लगा डॉक्टर साहब पूरे हॉल उठ रही है, घर छोड़ के जाने का दिल कर रहा है कहीं बाहर, क्या करोगे ऐसे? या दिमाग में ठन्ना बोल रहा है, इसमें क्या करोगी? हलक में किसी की सुइयां चुभ रही है, क्या करो उसमें? पेट में मरोड़ सा उठ रहा, हॉल हॉल उठ रही है, पेट में मरोड़ उठ रहा, हॉल हॉल, क्या करो उसमें?
किसी के सर में अगर हेडेक हो तो उसको लेटाओगी नहीं लेटाओगी? वो ये भी कह रहा बोटी बोटी दुख रही है मेरी, पता नहीं क्या करूं मैं, बताओ बोलती क्यों नहीं है यार तू? मैं दो मिनट में अलग कर दूंगा, यहाँ हॉस्पिटल में और भी लोग हैं काफी। सर आई एम ऑन ट्रेनिंग, आई विल हैव टू चेक दिस थिंग। हाँ चेक करो, तुम्हें जिंदगी में कभी मिल जाओ तो मुझे बताइयो। अरे डॉक्टर नहीं, मेरा मतलब ट्रेनिंग वाली नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से, तुम्हें यही पता ना चलो तुम्हारे मुर्गा बना रहे हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है मुझे पता चलो, तुम्हारी ट्रेनिंग जब पूरी हो जाए तो काम कर लियो, अपने डॉक्टर नहीं बन जाइयो ठीक है। लेकिन ये तो मैंने बीमारी बनाई है, इसका इलाज सिर्फ मेरी पास है ठीक है। अब गिर गई क्या? हेलो I love you for this now. Oh, I love you too, यार ये मैं बीमार हो गया, मेरे हलल उठने लगे भाई। नमस्कार, हिंदी में जानकारी के लिए एक डायल करें, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक दबाएं, अंतर्राज्यीय यात्रा के लिए दो दबाएं, आगमन एवं प्रस्थान संबंधी जानकारी के लिए दो दबाएं। आपकी कॉल प्रतीक्षा में रखी गई है, कृपया लाइन चालू रखें। नमस्कार, ये मैडम। हाँ जी, ये किस तरह की आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर को? सर मैं जान सकती हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकती हूँ? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपसे परसों टिकट लिया था, परसों मेरी फ्लाइट थी दिल्ली टू मुंबई। सर फ्लाइट नंबर बताएंगे प्लीज? कोई चेक नहीं करना है आपको, आप मेरे को ये बताइए फ्लाइट आपकी दिल्ली टू मुंबई कितना टाइम लगता है ट्रैवल करने में? 1 घंटा 40 मिनट। तो मेरे को कब पहुँचाओगे आप? मैं समझी नहीं। मैं परसों वहाँ से हमने टेक ऑफ किया है, एक सेकंड रुकिए, आप ये अनाउंसमेंट होगी बता रही है। कुर्सी के पेट सीधे रखे और खिड़की का शटर ऊपर करें। क्या सीट बेल्ट बांधो यार, कम से कम उतारो तो सही। सर मैं जान सकती हूँ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो अभी हवाई जहाज में ही हूँ, अभी लैंड कहाँ किया है, परसों उड़े थे हम दिल्ली से। कहाँ पे हैं सर आप अभी? मेरे को पता नहीं है, अभी तो जहाज में ही है, शायद नीचे बादल है, अभी पता नहीं है हैदराबाद है क्या है, मुंबई उतार रहे हैं कहाँ उतार रहे हैं। लेकिन ये लैंड क्यों नहीं हो रहा है यार, कितनी लंबी जर्नी हो गई? सर आप एयरक्राफ्ट से फोन करें। और क्या करें भाई, आप ये 2.5 दिन हो गया, कब उतारोगे भाई मुंबई में? आप ऊपर मोबाइल यूज करें। तो क्या करूं, बैठे बैठे थक गया मैं। आप जरा मेरी बात करेंगे क्रू में किसी से? हाँ जी, आपसे बात करने के लिए बोल रही हैं। या दिस इज कैप्टन। कौन बोल रहे हैं? दिस इज कैप्टन नवेद फ्रॉम रेडियो मिर्ची, एंड इनको लैंड करवाते हैं अभी यार, 2.5 दिन हो गए। अच्छा ओके। हेलो, टेंट हाउस। सर कौन? हेलो भाई साहब, ये प्लेट्स होंगी आपके पास? प्लेटें? जी प्लेटें हैं। कौन बोल रहे हो भाई साहब? सर योगेंद्र बोल रहा हूँ, ये मेरे को बताया था आपके पास प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, अवेलेबल हैं क्या? हाँ जी सर, मिल जाएगी सर। कब चाहिए सर आपको? मेरे को तो अब बहुत अर्जेंसी, आप मेरे को शाम में दे दो। सर कितनी प्लेट चाहिए? 1,22,000। कितनी? 1,22,000। हमारे पास 5,000 से ज्यादा प्लेटें नहीं होगा। 5,000 में तो काम नहीं बनता ना, दूसरे किसी टेंट हाउस से मंगवाऊँ तो हाँ। उसको मिला के भी 6,500 हो पाएगी? 6,500 नहीं सर, 1,20,000 प्लेटों से तो कम काम ही नहीं है ना। 1,20,000 सर, प्रोग्राम क्या है सर? होश में तो है? मैं तो होश में हूँ, इन्होंने कहा है मुझसे, जब तो मैंने आपको फोन किया है, इन्होंने कहा है मेरे से, इन्होंने डॉक्टर साहब ने, इन्होंने मेरे से कहा है कि अभी इंतजाम कर लो, डेंगू हुआ है ना मेरे को, डेंगू तो रिपोर्ट आई है। मैंने कहा रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं, 11,000 प्लेटें बची हैं, कम से कम 1,20,000 प्लेटें चढ़नी है। तो मैंने कहा भाई ये पता कर लेता हूँ मैं, आप कह रहे हो आपके पास भी नहीं 1,20,000 प्लेट, डॉक्टर है भी अजीब, इन्होंने कहा 1,20,000 प्लेट्स का इंतजाम कर लो, और ये नहीं बताया मेहमान कितने आ रहे हैं। मैं 1,20,000 प्लेट मंगवा भी लूँ आपसे, मेहमान तो पता चले ना कितने मेहमान हैं। आप मेरे को पता चला, मैंने इनसे पूछा 250 ग्राम की एक प्लेट है, ये 1,20,000 चलाएंगे मैं तो। टेंट हाउस वाले भाई साहब, देखिए ऐसा है कि प्लेटों की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आदमी ऐसा हंसता है ना आपकी तरह। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुर्गा बना रहा था मैंने आपका। क्योंकि देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारी दिल्ली में डेंगू है और डेंगू से काफ़ी लोग परेशान हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि सबसे पहले तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, जिनको डेंगू हो चुका है उनकी मदद करें, चाहे उनको ब्लड की जरूरत हो या फिर प्लेट की जरूरत हो या फिर प्लेटलेट्स की जरूरत हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस वक्त हॉस्पिटल्स के हालात ये होते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ भी परेशान होता है, वो भी मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन प्लीज़ जिस हॉस्पिटल में जाएं, नर्सेज वहाँ के स्टाफ से कोई बदतमीजी नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, क्यों मुझे मालूम ऐसे हालातों में थोड़ा सा गुस्सा आता है, मिलजुल के काम करिए, सबकी सेहत ठीक हो जाएगी। थैंक यू सो मच भाई साहब, आगे प्लेटों की जरूरत पड़ेगी ना मैं आपसे लूँगा। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाई साहब। हेलो, हाय प्रियाली। हू इज दिस? प्रियाली, विक्रम महेश अंकल ने आपको महेश ने हाय या या ओ या या हाय हाय, हाउ आर यू विक्रम? एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्युटली फाइन। वो एक्चुअली महेश अंकल ने मुझे भी बताया था।
अच्छा लगा कि आपने कॉल किया विक्रम. या बिकॉज़ हमारी कभी बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा मैं सो आई अंडरस्टैंड. और विक्रम, व्हाई आर यू सो शाय? नो नो, डू यू हैव समथिंग टू आस्क? आप पूछ सकते हैं मतलब मुझसे. और खाना खा लिया? हाँ. बट आपको पता है आप मेरे से कुछ और भी पूछ सकते या कुछ और भी? हाँ. क्या खाया आपने? ये कैसी बात है? मैं अभी जनरली जनरली विक्रम आप कुछ और भी पूछ सकते हैं मेरे से इसके अलावा. हाथ धो लिया? हाथ नहीं, खाने के बाद हाथ धोने पड़ते हैं ना. मेरे तो नाखूनों में दाल लग जाती है कभी कभी, ऐसा होता है. विक्रम, वी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. या आई नो, आई नो. एंड यू नो यू कैन गेट कंफर्टेबल. आप पूछ सकते हैं मेरे से जो भी आपको पूछना है. यू वांट टू आस्क मी लाइक एनीथिंग यू नो. और आगे का क्या सोचा भाई तुमने? आगे का तो यही है, अब टंकी भर गई, पानी बंद कर दूंगा मैं. हेलो हेलो, तू चुप कर. क्या हो गया? तू जा अपनी टंकी बंद कर. टंकी अभी भरने वाली. बोला ना जाके टंकी बंद कर. अभी भरी पूरी भर जाएगी ना अभी थोड़ी देर में. मेरी बात सुनो ना, आप मेरे को. गधे के बच्चे, तेरी ना कभी शादी नहीं होगी. मैं भी महेश अंकल को बोल दूंगी ये बात. तू टंकियां ही बंद करेगा, देख लियो फ्यूचर में. यही प्लान है तेरे फ्यूचर का? खाने में क्या खा रहा है? नाखूनों में डालने की टंकी बंद करनी है? यार मेरी बात सुन लीजिए, रिश्ता खत्म हो उससे पहले मैं बता दूं, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, उसका रिश्ता खत्म मत करिए. हेलो सर, गुड इवनिंग, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन रूम नंबर 118. हाँ जी सर, आई एम सो सॉरी मैं इस समय आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ. सर आप अभी रूम में? हाँ जी. विद योर वाइफ? या मतलब विद माय गर्लफ्रेंड. या सर, लेट मी आस्क यू वन थिंग, आपने अभी वॉशरूम यूज किया था क्या रूम का? आपको डेढ़ घंटा हो गया क्या अंदर? हाँ मतलब हो गया, मैं तीन चार घंटे. क्यों, क्या वॉशरूम गए थे आप? नहीं, पर ये कैसा सवाल है? अभी आप कहाँ पे हैं सर? रूम में ही है, बेड पे, मतलब रूम पे है, रूम में ही है अंदर. सर आई एम सॉरी, आपको इस वक्त मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रिसेप्शन. पर ये क्या टाइम है यार? नो आई नो सर, ये 12:30 बजे रात में कॉल कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है. पर सर होटल यू नो. सर मैं कह रहा था आप वॉशरूम गए थे क्या अभी थोड़ी देर पहले? नहीं वॉशरूम तो नहीं, पर क्या सवाल है यार आपको? कोई जरूरी बात करनी है क्या? थोड़ा नहीं सर, इसलिए कह रहा हूँ, जरा वॉशरूम तक चले जाएंगे आप प्लीज? वॉशरूम पे चले जाएंगे? हाँ सर, मेरे रूम के. जी आपके रूम के अंदर जो है उसमें चले जाएंगे. क्या काम है आपको वहाँ पे? सर अंदर प्लम्बर गया था अभी एक घंटा डेढ़ घंटा पहले, जब आप बाहर गए थे ना, आप मेरे ख्याल से सीधे आए हैं अंदर, आप बेड पे चढ़ गए दोनों. हाँ? वो प्लम्बर अंदर ये काम कर रहा है बहुत देर से, उसे कहेंगे बहुत देर हुई, आ जा भाई वापस. वो अंदर ये वॉशरूम में, उसको कहिए भाई जल्दी आ जा बाहर. अंदर? अरे पर रूम में तो हम बैठे हुए हैं ना अंदर. अंदर कैसे आया वो? चाबी तो मेरे पास पड़ी, कहाँ से घुस कैसे गया? सर होटल वाले के पास होटल में दूसरी चाबी होती है, वो मैंने टैब ठीक कराने के लिए उसको भेजा था. अंदर घुसा हुआ है बिना मेरी परमिशन के. मैं कह रहा हूँ, ये आपसे कह रहा हूँ, आप कह दीजिए उससे. और रखिए क्या, और रखा है यहाँ पे किसी काम के लिए आता है ना होटल में बंदा. हेलो हेलो सर, आप क्यों नहीं कह देते उससे? आप जाके कह दो ना वो दरवाजा नॉक करके बाथरूम का. मैं नहीं बोल सकता ना, समझा कर बात. उसको बोल दो, आप उसको बोल दो यार बाहर निकले कमरे से, बेकार की बात कर रहा है यार वो. अब तेरे मैं काट दूंगा, तू भी यहाँ पर आ. सर वही मैं इससे कह रहा हूँ, इसको डांटिए, इसको डांटिए सर, इसको डांटिए, इससे कहिए विदाउट परमिशन 12:30 बजे रूम नंबर 119 में घुसने की जरूरत क्या थी इसको? मैं तो बोलूंगा. बोलिए इसको 119 में क्यों घुसा है ये ऐसे? क्या कह रहा है, कौन सा कमरा नंबर? 119 सर. अबे मेरा 118. आई एम सो सॉरी सर, गुड नाइट, आप सो जाइए सर, मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया. हेलो श्वेता मैडम. हाँ जी श्वेता मैडम, मैं ये मोहन भैया की मोबाइल शॉप है ना, वहाँ से बोल रहे हैं. हाँ भैया बोलिए. दो दिन पहले आपने मोबाइल ठीक कराने के लिए दिया था ना, हमने वापस कर दिया, लेकिन आई एम सॉरी आपको इन्फॉर्म नहीं किया मैंने, मैंने सोचा बता दूं. कोई बात नहीं, मिल तो गया मुझे फोन. नहीं नहीं वो मिल गया, लेकिन वो आप माइंड मत करना, मैं थोड़ा हम गलती मान रहे हैं. वो हुआ क्या था ना, आप मोबाइल जब खोला तो आपका सिम कार्ड जल गया था, वो सिम कार्ड खराब. क्या किया तुमने? वो जला दिया मेरे बच्चे ने ना, वो इधर खेल रहा था तो वो जल गया आपका सिम कार्ड. वो जल गया मतलब? और तुम मुझे आज दो दिन के बाद बता रहे हो? वो जल गया. ऐसे कैसे जल गया? और तुम मुझे दो दिन के बाद बता रहे हो? ये मैं आपसे ये कह रहा था, मतलब हमारे कर क्या रहा था तुम?
फोन जला के दिया तुमने सिम कार्ड? नहीं मतलब इंटेंशनली नहीं जलाया मैंने, मतलब वो मेरा बच्चा खेल रहा था उसको पता नहीं था सिम कार्ड जला के पूरे में आग लगा दी। तुम मुझे दो दिन के बाद बता रहे हो, उस दिन क्यों नहीं भोंके? तुम क्यों नहीं भोंके उस दिन जब मैं फोन लेने आई थी दुकान पे? हम अपनी गलती मान रहे हैं, वो मेरे बच्चे ने ना उसको जरा, मेरे बच्चे को पता नहीं था ना। तुम पागल हो गए हो, एक तो मेरा तुमने सिम कार्ड जला दिया, ऊपर से तुम बोली जा रहे हो। नहीं तो मैं किसी को फोन कैसे करूंगी अब, कैसे फोन आएगा मुझे कोई? ऐसी जैसे अभी आया ना आपके पास सिम कार्ड तो इसी में ही है, मेरा चूहा बना रहे हो तुम। मुर्गे में सबसे ज्यादा मजा आता है जब कोई वाइफ अपने हस्बैंड का मुर्गा बनवाती है। ये फोन लाइन में मेरे साथ निकिता है, आज 10 दिन के लिए अपनी माँ के यहाँ गई है, घर पे हस्बैंड है, उनका मुर्गा बनवाना चाह रहे हैं। निकिता मैं फोन कर रहा हूँ आपके हस्बैंड। ओके ठीक है। हेलो हेलो सनी। हेलो कौन? कहाँ पे है भाई? एक सेकंड एक सेकंड। हेलो कौन? सनी सनी यार भूल गया क्या, कहाँ पे है तू? भाभी कहाँ है? भाभी कहाँ है? भाभी भाभी तो गई हुई है यार, तू आ जा घर पे, पार्टी वार्टी चल रही है, देख लेंगे बाद में। कहाँ गई भाभी? अभी अभी निकली है क्या घर? अरे भाभी गई 10 दिन चले गई, तू आ जा घर पे, पार्टी चल रही है। भाई तू सुन तो ले मेरी बात, तू एक काम कर पहले इधर आ जा, फिर अपना शुरू भी कर लेंगे। भाभी की बात तो सुन ले भाई, मेरी बात तो सुन ले। अबे तू आ जा इधर, छोड़ दे आ जा। भाभी मेरे साथ बैठी है, तुझसे बात करना चाहती है। अबे भाई तो सनी मैं ये कह रहा था, भाभी मेरे को अभी रास्ते में मिली, तूने जैसी कैब कराई है ना। हाँ भाभी मेरे को मिली, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो आप? कहती मैं अपने घर जा रही हूँ, माँ के घर 10 दिन के लिए। मैंने कहा मत जाओ अभी उस तरफ। भाई पता है क्या है, वहाँ पे मैंने सुना है डेंगू ज़्यादा फैल रहा है, मतलब काफ़ी बीमारी है वहाँ पे झांसी में। मैंने कहा आप 10 दिन के बाद जाना, अभी वापस जाओ घर, तो बात कर जरा आ रही है। हाँ सनी कैसे हो? ठीक हूँ, तुम्हें याद कर रहा था, मैं भी वैसे ही थोड़ा उखड़ा उखड़ा फील कर रहा था। ये भाई साहब मिले थे मुझे, मैं कैब से जा रही थी तो उन्होंने मुझे रोक लिया, कहा कि वहाँ मत जाओ ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ वापस आ जाऊँ, अब मैं 10 दिन के बाद ही जाऊंगी। चलो मैं इनको फोन दे रही हूँ, मेरी कैब आ गई, मैं निकलती हूँ। ठीक है सी यू सून नन्नू। हेलो हाँ तो मेरे को जब भाभी मिली ना, मैंने कहा यार ठीक नहीं है। तू पागल है, तूने उसको क्यों बोला? तू बात करने गया था उससे? मदर मैंने उनको बोला उधर बेकार में अभी रिस्क किया ना। अबे चुप कर दे मदर। यार मेरे को भाभी जी मिली, मैंने कहा चुप कर दे, बात करने की जरूरत क्या थी यार, पहले ये बता मेरे को तेरा क्या लेना देना उससे यार। अबे बात बता तेरा मतलब क्या था उनसे बात करने का है? अबे पहले ये बता तू बोल कौन रहा है? नवीद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कब निकली है मेरी वाइफ वहां से? कहां से? आपके वहां से? मेरे पास तो आई नहीं वो। वो भाई झांसी जा रही है, वो 10 दिन के बाद ही आएंगी। कैरी ऑन लगे रहो, वो तो मुर्गा बनाना चाह रही थी आपका और अच्छा खासा बन गया। नन्नू प्यार इंतजार कर रहा हूँ, वापस आ जाओ, भेजो वापस। यार तुम भी यार एंजॉय करो, एंजॉय करो भाई। बना गई वो तगड़ा बना गई। हेलो जी बोल रहे हैं? जी बताइए। प्रोडक्शन से सर? बताइए सर। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग सर। कौन बोल रहा है सर? एक्चुअली वो सर मेरे को पता चला था आप सीरियल बना रहे हैं सर। आई हैव वर्किंग फॉर द सीरियल फॉर लास्ट 4 इयर्स। कौन बोल रहा है? सुमित सर, सुमित। तो सर मैंने आपको सोचा आपको फोन कर लूं सर, मेरे पास अभी कुछ प्रोडक्शन में नहीं सर, है सर। मैं मेरी आप थोड़ी सी बात सुनेंगे ना तो अभी कुछ हो नहीं रहा। आपको नंबर किसने सर? जी ने नंबर दिया है मुझे आपका। अच्छा अच्छा, तो किस टाइप का काम किया सर? आई हैव बीन वर्किंग सर, मैंने ना फैमिली जो सीरियल देखते हैं, फैमिली पारिवारिक सीरियल जितने होते हैं फैमिली सीरियल सर, 5 इयर्स मैंने काम किया उसमें। 5 इयर्स? क्या स्क्रिप्ट राइटिंग? नो सर, स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है सर। तो स्क्रीन पे थे? नहीं सर, स्क्रीन पे तो नहीं है, स्क्रीन पे तो नहीं है सर। तो फिर सर आपने फैमिली सीरियल देखे हैं टीवी में? अभी जो यार मैं बनाता हूँ मैं। ओ आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, सर आई एम सॉरी सर। उसमें जितने ज्यादातर फैमिली सीरियल्स है ना, उसमें वो धूमताना नाना की आवाज आती है ना, वो मेरी है सर धूमताना नाना। मैं आपको डेमो भी देता हूँ, मेरी कलीग भी है पार्वती, जरा डेमो दियो। तो वो तुम थी जो कल रात को मेरे पति से बात कर रही थी? राधा तुम्हें शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी? सर मैंने कई सीरियल में आ भी किया है। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा दे। माँ जी
आप ठीक तो हैं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मुझे। माजी, माजी। पार्वती डायलॉग चेंज दूसरा मार। तुम मेरे पति को गंदी नजरों से देखती हो? मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था राधा तुम निकलोगी। तुमने पति को गंदी नजरों से देखा? सर एक सेकंड आप होल्ड मारना। पार्वती वो थे जो थोड़ा डरावना था पारिवारिक सीरियल में, वो वाला। ये रात के अंधेरे में पायल किसकी छनक रही है? कौन है, कौन है वहाँ? धुम ताना ना 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 ना। माजी, धुम ताना ना ना। माजी देखिए आपका बच्चा कितना बड़ा हो गया। वो आपको अभी दादी भी बोल रहे हैं। बोलो बेटा दादी, दादी। आखिरी लास्ट फाइनल डायलॉग मारे भैया। धुम ताना ना ना। आपको ये पता ही नहीं चला नवेद आपका बुर्का बना रहा है? धुम ताना ना ना ना। ऐसा कैसे हो सकता है? Oh God! Hello. Yeah, is that Nikon? Yeah. Nikon, hi. Hi. Okay, I'm Rajiv. I'm calling from Jewelers. So. So Nikon, 27th October, your birthday, right? Yes. आपका boyfriend आया थे अभी आपके boyfriend. What? Seriously, Jaydeep आपका boyfriend अभी आया था. I just came to know आपको बहुत Oh my God. Really, I just love him. Oh my God, Jaydeep, I love you. क्या नाम बताया आपने अपना? राजीव, राजीव, राजीव. क्या लिया उसने? Nothing. I'm just surprised. कुछ लिया ही नहीं है उसने. मैंने तो कहा भी, मैंने कहा इस बार क्या करा करा nothing. मैं तो जागरण की पर्ची कटवाने आया था, 101 रुपए कटवा के ले गया. क्या लगा nothing, कुछ नहीं. I just wanted to tell you. मैंने कहा चलो बता देता हूँ आपको. नहीं लिया कुछ? No. हेलो बेटा निहारिका. हाँ जी, कौन? बेटा निहारिका मत पूछो कि कौन है, लेकिन बेटा मुझे तो ये पता चला कि आजकल की दुनिया में कोई अपने पति से इतना प्रेम, कोई अपने पति के प्रति इतना प्रेम दिखाए तो मुझे मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है बेटा. मैं मुझे किसी ने बताया कि बेटा आप चिंतित हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं. क्या हो गया बेटा? और बाबा नाम दे दो या कुछ भी दे दो. बेटा मुझे पता चला कि आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हैं. मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, ये भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं. बस तो पैसे कमाने के लिए नौकरी पे जाते हैं, मजबूरी है, वरना बाबा जी मेरा बस मैं कहीं जाने ना दूं. हमेशा अपनी आंखों के सामने रखूं, अपने पास रखूं. जहाँ तक बात जीवन की है, मुझे तो अपनी आखिरी सांस तक इन्हीं का साथ चाहिए, और हो सके तो मुझे तो हर जन्म में यही पति चाहिए. आप मेरे ख्याल से आपके पति का नाम सुशील है. तो सब जानते हो बाबा जी. मैं देखिए सब जानता हूँ, लेकिन आप ही बताओगे कि मुझे जन्म में यही पति मिले. मैं आप चाहती हैं कि अगले जन्म में आपको यही पति मिले, आप ये चाहती हैं? जी बाबा जी. वो एक एक हवन करना होगा, उसके लिए कुछ सामग्री लिखनी होगी. क्या वो आप सामग्री? एक मुझे सामग्री में थोड़ी सी मिर्चा चाहिए, मिर्च, लाल मिर्च. धूप वहाँ जलेगी. धूप, अगरबत्ती लगानी होगी. खास अगरबत्ती बाबा जी? नहीं खास नहीं, जो भी अगरबत्ती होगी मैं आपको बताऊंगा समय आने पर. लेकिन बेटा एक मैं चीज पहले बता दूं, इस हवन को करने के बाद ये तो बिल्कुल पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है कि अगले जन्म में यही आपको पति मिलेंगे, यही बात. लेकिन हवन की तैयारी करता हूँ. मैं हवन करता हूँ, लेकिन बेटा लेकिन मैं आपको बस ये बता दूं कि अगले जन्म में अगर सुशील आपको पति चाहिए तो सुशील की माँ भी आपकी सास होगी, तो सास भी आपको यही वाली मिलेगी जो अभी आपकी है. ये आजकल जो सुशील की माँ है तो यही सास मिलेगी अगले जन्म में. भाई अच्छा है कि हम देखिए बाबा लोगे तो हर चीज बतानी बहुत जरूरी है. बेटा आवाज आ रही है आपको मेरी? बेटा आप क्या मुझे सुन पा रही हैं? हेलो हेलो. यही वाली सास मिलेगी? यही सास मिलेगी, क्योंकि देखिए आपको पति जो वो चाहिए तो माँ भी तो उसकी वही है ना, है ना. मैं आपको सामग्री दोबारा बता देता हूँ. एक तो मैंने आपको धूप बताई, धूप वहाँ पे जलेगी अगरबत्ती. बाबा जी एक काम करिए, अभी ये हवन थोड़ा रहने देते हैं, ठीक है? अभी रहने बाद में फिर, हाँ फिर बाद में करेंगे. मैं जरा सोच लो. सोच लीजिए आप. ओ बेटा भाई रेडियो मिर्ची पे तो ये नवेद बड़ा चिंतित है अब कि ये क्या हो गया. अगर वो चाहिए तो भाई सास भी तो उसकी माँ होगी ना, ये आवाज को क्या हो गया. Thank you for calling P at delivery. To place an order for home delivery, press 2. Sir, my name is Pooja and you're calling from 98. May I know your order, sir? Okay, now what is your name?
ओके पूजा, आई वांटेड टू इंक्वायर समथिंग अबाउट पिज्जा। चक्कर क्या है, मैं अभी अपने किचन से ही बोल रहा हूँ। तो अभी क्या हुआ है, मेरी ना वाइफ चली गई है अपने घर, मम्मा के घर। हाँ जी सर। तो मैं अभी, मेरे को भूख भी लग रही थी, तो मैंने ना अभी पिज्जा बनाया है, तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, लास्ट स्टेज पे है। मतलब टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ उसमें, मतलब ऐसा हो जाए चटकारेदार, हो जाए मज़ेदार। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा कौन बता सकता है भाई। तो ये टॉपिंग में मेरे को ना कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। सर आप क्या कह रहे हैं, मैं समझी। मैं आपको बता दूँ ना, मेरी वाइफ गई है, मैं पिज्जा बना रहा था, फाइनल स्टेज पे है पिज्जा, टॉपिंग में क्या क्या डाल दूँ। क्या हो गया, हंस क्यों लिए? मैं आपसे बोल रहा हूँ, मेरा पिज्जा तैयार है, टॉपिंग में क्या डाल दूँ। हेलो, ये टॉपिंग में क्या डाल दूँ मैं? ओके सर, आपने क्या क्या डाला है आप बताइए। अभी तो कुछ नहीं डाला, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू। क्या डाल दूँ टॉपिंग में? अनियन, अनियन, एक सेकंड, प्याज बोल रहे हो ना? हाँ जी। प्याज और कैप्सिकम डाल दीजिए। कैप्सिकम डालनी थी, ये तो मैंने बहुत ज्यादा डाल दी। कैप्सिकम मतलब शिमला मिर्च। अच्छा ओके, ये हो गया। और टमाटो डाल। एक सेकंड हो गया मैडम, स्वाद है भाई, मजा आ गया। आप खाओगे? खाओगे? मेरे को पता है आप कॉल पे बैठे हो, कितना मुश्किल हो जा रहा होगा आपको हंसना। लेकिन मैडम, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो में, चीज़ मेरे को लगा पिज्ज़ा बनाना है। अच्छा अच्छा, कौन? गॉड ब्लेस यू, ऐसे ही हंसते रहो आप। हेलो कौशिक, हाय, मैं मनोज का कजिन बोल रहा हूँ, मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए कौशिक, ये बताएंगे मनोज के साथ अभी आप 2-3 दिन पहले कहीं बाइक वाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक वाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। परेशान हो गया, समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे टर्न कितने पार करता रहता हूँ हमेशा। नहीं, वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या कोई जेल वेल हो जाए। जानता हूँ यार, मैंने मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट पार किया, 500 चालान दे दे। कह रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारे तो घबरा बहुत रहा है यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जग मार रहा हूँ, बैठ गए भाई है तो क्यों परेशान हो रहा है? नहीं नहीं, वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है, डर भी ठीक है। पुलिस वाले क्या है, जानते हो आप, कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं। आप मुझे जानते नहीं है, मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन, मेरी पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके। आपको जानता है मुझे, सब जानते हैं, अपने जानते हैं, मनोज अच्छे से जानता है मेरे बारे में। हाँ ये तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो कौशिक, एक सेकंड होल्ड करना सर, बंदूक हटाइए मेरे सर पे से, बात करते मेरे को। हेलो, हाँ भाई। हाँ जी, हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर, बयान तो सारा मिल गया फोन पे। नहीं नहीं, सुन मेरी बात सुन, ये दिनेश को कुछ समझा रहा था फोन लाइन पे है, ये असली है, वो तो इसके पीछे बैठा था। हेलो दिनेश, कैसे करे? अरे भाई ऐसे पाल रखे, ये भाई के दोस्तों से बात। दिनेश बात सुनो, आप समझाना मनोज को, देखो हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, तो पुलिस वालों को सब करनी चाहिए, वो तो चलान देना ही पड़ेगा हमें, वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमने। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, तो मनोज को आप ये समझाना मनोज, मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है हमने रूल तोड़ा है तो हमें चलान तो भरना ही पड़ेगा। हेलो वैभव जी, हमारी जो संस्था है हम एक काम करते हैं, मेरे को पता चला कि आप भी इन कामों से खुश होते हैं, इसलिए मैंने आपको फोन करना जरूरी समझा। जो लोग बहुत अच्छे काम कर चुके हैं उनकी याद में, उनकी मेमोरी में हमने काफी चीजें बनाई है। एक खरमंदा जी थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, बड़े नेक आदमी थे, उनकी मेमोरी में उनके आदमी के पार्क बनाया हमने, बड़ा तगड़ा पार्क है। एक हमारे पांडे जी साहब थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, उनकी मेमोरी में प्याओ भी हमने खोला था। बढ़िया काम है, और बहुत पुण्य काम है कि आदमी को मरने के बाद भी आप याद रखते हैं। बहुत सही बात है। वैभव जानी जी, मैं आपसे ये चाह रहा था सर कि आप हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। किस टाइप की मदद कर सकता हूं? जी, हमारी पूरी संस्था है और संस्था ने मिलकर सोचा है, मैं पेपर हाथ में ले लेता हूँ। आजकल के जमाने में कुछ ऐसा बचा नहीं है, पेट्रोल देखिए कहाँ पहुँच गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अजीब सी बात है, अब गरीबों को कौन सुनेगा। सर हम आपकी मेमोरी में एक चीज खोलना चाहते हैं। हेलो, हमने डिसाइड भी कर लिया। मतलब किसकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं आप? आपकी आपकी आपकी। कौन बोल रहा है, क्या खोलना चाहते हो? सर आपकी मेमोरी में खोलना चाहते हैं हम कबाड़े की दुकान। जैसे मैं कबाड़े की दुकान तो खोलूंगा, एक प्लेट बनवाई है जिसमें लिखा हुआ है इन मेमोरी ऑफ वैभव जिलानी
कबाड़ी की दुकान, लास्ट में ये पूछना चाह रहा था कि एक्सपायर्ड ऑन में कौन सी तारीख में डाल दूं, या ये लिख दूं कि बेस्ट बिफोर। कबाड़ी की दुकान तो खोल देंगे हम आपकी मेमोरी में कल, लेकिन आप अगर नजर आ गए उसके आसपास तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अजीब सा अच्छे काम करो, ऊपर से गाली सुन लीजिए। मैं नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आपका मुर्गा बन गया है। हेलो, क्या चाल? ये मैं सोचता हूँ उम्र को लेके, एज को लेके कितनी परेशानी है। औरतों की उम्र ज्यादा कर दो तो परेशान, मुझे लगता है कभी कभी मर्दों की कम कर दो तो परेशानी। अभी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये कुछ लोग हैं जिनको फोन करूंगा मैं, पता चलेगा आपको। हेलो, छोटू विनोद चावला जी घर पे हैं? हेलो छोटू, कौन? छोटू विनोद चावला हैं घर पे? छोटू लग रहा हूँ मैं तुझे। हेलो आंटी, विधि है क्या घर पे? कौन आंटी? विधि, विधि। आंटी लग रही हूँ क्या मैं तुझे? ओ सॉरी। हेलो छोटू, बेटा राजी हैं घर पे? अबे तुझे मैं आवाज से छोटू लग रहा हूँ? हेलो आंटी, संचिता घर पे है क्या? क्या कहा तूने अभी? आंटी मैं संचिता का पूछ रहा हूँ, संचिता है आंटी उधर? तेरी माँ होगी आंटी। हेलो छोटू, चौहान जी घर में है क्या? छोटू होगा तेरा बाप। हेलो, हाय आंटी, योगिता घर पे है? गो यरसेल्फ। हेलो छोटू, चावला जी घर पे है बेटा? कौन? बेटा बोलो, आप प्रभाकर अंकल का फोन है, जाओ। तेरे से भारी आवाज है मेरी, तेरी माँ का छोटू। हेलो आंटी, हाय, आनंदिता घर पे है क्या? मेरी पापा जैसी आवाज है। हेलो बेटा, पापा हैं घर पे? क्या कह रहा है? पापा हैं बेटा घर पे, बोलो पंकज अंकल का फोन है, जाओ। जिसको बेटा कह रहा है ना, वो तीन बेटे कर चुका है। सॉरी। हेलो अम्मा जी, मेघा घर पे है क्या? कौन बोल रहा है? मेघा घर पे है आंटी क्या? हेलो, फोन काट देना है? फोन काट दो। करा क्यों है फोन? इसीलिए करा है ना, फोन काट दो, फोन काटो। तेरा दिमाग खराब है? तमीज से बात करो, कह रहा हूँ ना फोन काट दो। सारे टेंट करी तो फोन काट दूंगा, वही कह रहा हूँ फोन काट। ये देख के दिल झूमा ले। हेलो भाई, जरा फोन काट दियो, ये वाला जो फोन आया फोन काट दे। फोन काट दो? हाँ काट दो इसको, फोन को है? क्यों? फोन काट दो ना। क्यों काट दो भाई? मत काट, बैठा रहे है? बैठा रहे, मत काट। हेलो, ये जरा फोन काट दीजिए। फोन काट दो, फोन काट दीजिए। करा क्यों है फोन पे? कटवाने के लिए, ये कटवाने के लिए, काट दीजिए। ठीक है। हेलो भाई साहब, फोन काट दो ये वाला। मतलब फोन काट दो ये वाला? सर अभी तो बैटरी बैटरी है, बात लो। नहीं 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 नहीं, मिलाया मैंने बात करने के लिए नहीं, कटवाने के लिए मिलाया। फोन काट दो आप। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। अबे है कौन? फोन काट रहा है, नहीं काट रहा? अबे काट रहा हूँ, काट रहा हूँ, चल काट दे। हेलो भाई, ये फोन काट दे जरा। क्या? फोन काट दो भाई ये वाला। भाई तू काट दे। मैं क्यों काट दूं, मैंने करा है ना, आप काटो ना वहां से। अबे पागल है क्या भाई, तूने फोन किया तू भाई, तुम पागल हो गए हो तो मैंने किया, काटना आपको चाहिए ना, फोन काटो। अबे तेरी नहीं काट रहा, नहीं काट रहा। नहीं कैसे, मैं भी नहीं काट रहा, फिर मत काट भी, काट बैठे रहे हो, काट दे तो ठीक हो जाता। अबे तो तू क्यों नहीं काट रहा भाई? मैं क्यों काटूं, मैंने किया है ना, काट देना भाई। यार क्या भाई के। हेलो, ये भाई साहब फोन काट देना जरा। काट दो, काट दीजिए। कहाँ से कटेगा ये? ये लाल वाला बटन देख रहे हैं, लाल वाला, एक हरा वाला होगा, एक लाल वाला उठाने वाला, एक एक लाल वाला, काट दीजिए। अच्छा काट दीजिए, उसको दबा दीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो, नहीं वहां से आवाज नहीं आएगी, अब इंतजार कर रहे हैं आप, कोई हेलो बोलेगा। शेयर कर दियो भाई, कर दो कर दो। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे। हेलो दीप जी, नमस्कार।
नमस्कार दीप जी, बस ऊपर वाले की कृपा है भाई, आपके यहाँ शादी ठीक ठाक हो गई और मैंने कहा फोन करके बोलना चाहिए भाई, फर्ज बनता है। हर चीज बहुत अच्छी थी, खाने में बड़ा स्वाद आया हमें। मैं लेकिन पहचान नहीं पा रहा, आप कौन बोल रहे हैं? वहाँ पे तो इतने सारे लोग आए हुए थे। नहीं नहीं, नहीं वही आप बिजी थे, मैं विवेक बोल रहा हूँ, आपने कार्ड दिया था। हाँ तो मैं ये कह रहा था, मैंने वाइफ से भी कहा था, सारी चीजें सही थी, बस एक प्रॉब्लम हो गई थी उसमें ना। क्या प्रॉब्लम हो गई? नहीं मैं वो असल में मैं वाइफ और बच्चे आए थे तो हमारे कोऑर्डिनेशन में ना गलती हो गई थोड़ी। मैंने वाइफ से कहा था भाई मैं लफाफा दे दूंगा, घर आके मेरे से कह रही है मैंने भी दे दी। मैंने कहा गधी है क्या, मैंने भी दे दिए, पहले कोऑर्डिनेशन कर लेना चाहिए था, कोऑर्डिनेशन नहीं था ना, तो लफाफे पहुंच गए दो आपके पास। 1,000 का मैंने मारा लफाफे में, मेरे से कह रही है मैंने भी 1,000 ही मारे हैं। मैंने कहा चलो जो है वो अच्छा हुआ है ना, चलो आपने फोन किया आपने। नहीं फोन तो मेरे को करना ही था ना, फोन तो करना ही था, लफाफे दो पहुंचे हुए हैं आपके पास। चलो वो तो चलो शगुन था जो आपने दिया है ना, वो तो नहीं, शगुन था। एक होता है ना, एक होता है, दो लफाफे पहुंच गए आपके घर तो कोई बात नहीं भाई साहब, फिर नहीं, फिर क्या हो गया? ये नहीं आशीर्वाद हो गया ना, वो तो आपका डबल आशीर्वाद हो गया आपका। नहीं आशीर्वाद तो मैं वैसे देता हूँ बिना एनवेलप के, आशीर्वाद आप 5 बार ले लो आगे। कोऑर्डिनेशन हमारा नहीं था, मैंने एक दफा भी नहीं बोला कि आपका कोऑर्डिनेशन नहीं है, हमारे मेरी वाइफ का नहीं है, दो लफाफे पहुंच गए आपके पास। तो ये तो आपको घर से करके आना चाहिए ना, आप घर से करके आते हो। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा कोऑर्डिनेशन तेरे को करना चाहिए था ना कि शादी वालों को। हाँ तो भाई अभी आप क्या चाह रहे हैं भाई साहब? लफाफा वापस कर दो, लफाफा वापस कर दो, एक लफाफा वापस कर दो, मतलब मैं आपकी कोई गलत ऐसे नहीं होता है भाई, नहीं, ऐसे थोड़ा होता है। कैसे होता है फिर लिफाफा? एक बात बताइए, आप कितनी शादियों में गए हैं आज तक? तो हम कोऑर्डिनेशन करके जाते हैं ना, तो मेरा नहीं हुआ ना कोऑर्डिनेशन की सजा, तो ये थोड़ी है कि मेरा लफाफा आपके पास रहेगा, दो लिफाफे हैं आप वो वापस कर दो, ठीक है? ऐसे थोड़ा लिफाफा कैसे वापस, हमको क्या पता आपने कितना उसमें डाला था या खाली लिफाफा। 1,000 बोला तो है, मेरी वाइफ ने मारे 1,000, मैंने मारे 1,000, मैंने बोला काम की चीज सुनता नहीं रहता है भाई साहब, इतने लोगों के लिफाफे हैं नहीं याद कैसे नहीं रहता, मेरे को याद है ना, मेरी वाइफ वाला वापस कर दो। अरे ऐसे थोड़ा वापस, मेरा वाला वापस कर दो, वाइफ का छोड़ो आप, मेरा वाला वापस कर दो आप, ऐसे कैसे वापस कर देंगे यार? वापस नहीं कर देंगे, लिफाफे खाली भी हो सकते हैं दोनों, दो खाली लिफाफे दे दिए और आप 1,000 रुपया मांग रहे हो। मैंने ये बोला वो वहाँ पे वो डिशेस खाली पड़ी थी, था ना उसमें खाना, झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने खाया ना, आपने दोनों ने खाना खाया ना उसमें? मेरी बात सुन लो, वाइफ का लिफाफा वापस करो, दो पहुंच गए नहीं दे रहा वाइफ का लिफाफा, वाइफ का नहीं मेरा वापस करो यार। आपका क्यों दूं मैं, क्यों दूं? आपने आपने खाना खाया तीन प्लेट तो आपने मेरे सामने खाई है, बैठे दो लिफाफे लेके बैठो, गए शर्म नहीं आती? शादी दो करी है जो दो लिफाफे ले रहा है। ए ए ए जोए मुंह मार के बात कर, मुक्का मार दूंगा यहीं से, तेरे मार दूंगा। फोन कर, फोन कर, दूर रख फोन, दो लिफाफे लेके फोन कर। हेलो, दो लिफाफे पहुंच गए हैं, फोन काट दिया, एक वापस करो जल्दी, ठीक है? अबे फोन काट, मुक्का मार दूंगा यहीं से तेरे को मैं। एक शादी का दो लिफाफे, शर्म अबे फोन काट, फोन काट। हेलो मैडम जी, भाई साहब हैं घर पे, फोन बंद कर रखा है उन्होंने। आप कौन? प्लम्बर बोल रहा हूँ, जरा बात कराना। हेलो, बुलाया था क्या प्लम्बर? अगर मेरी वाइफ का लिफाफा देने में शर्म आ रही है, मेरा वाला वापस कर दे, ठीक है? मुक्का मार के तेरा दांत तोड़ दूंगा मैं, मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, फोन कर। एक काम कर, दूसरी शादी करवा, दो लिफाफे पहुंचे हैं, दूसरी शादी करवा, किसी की उसमें आएंगे। बदतमीज आदमी है, तेरा मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, ये निकाल रहा है तू। हेलो, ये मिल गया, इज दैट गगन अरोड़ा? हाँ जी, आप कौन? गगन बेटे, मैं रोशनी का, मैं चाचा बोल रहा हूँ, रोशनी। नमस्ते 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 बेटे, रोशनी के भाई पापा से बात हुई है, तो वो कह रहे हैं भाई डेट को लेके कुछ वो हो रहा है, क्या चक्कर क्या है? नहीं ऐसा कोई चक्कर नहीं अंकल, अपनी बड़ी नॉर्मल बात हुई थी, मैंने पापा को बताया था कि वो दिसंबर की शादी बोल रहे हैं मेरे। दिसंबर में कोई परेशानी बेटे? नहीं हाँ अंकल, मतलब ऐसा है कि जनवरी से मुझे कनाडा वापस जाना है, मैं हम सोच रहे थे अपनी फैमिली के कि अपना हम अक्टूबर में कर लें, फिर मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, देखिए शादी में क्या होता है, लड़की वालों की तरफ से कुछ मजबूरी होती है, लड़कों वालों की तरफ से कुछ होती है। एक सेकंड होल्ड बेटा, होल्ड करना, कॉल वेटिंग है बेटे। हेलो, हेलो बेटा, हाँ बेटा बेटा होल्ड करो जरा, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड होल्ड करना। हाँ हाँ, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, कौन? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अच्छा, बस एक मिनट आपसे बात करनी है। नहीं मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं गगन से बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात में कर लेंगे? ये फोन मत काटिए, मैं सुनिए, बाद में बात कर लीजिए। हाँ बेटे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बताइए गगन, आप क्या बता रहे थे? हम ऐसा करते हैं, एक बार ना फैमिली मीटिंग कर लेते हैं। देखिए आप हमारे घर आ जाओ या तो। बेटा एक सेकंड होल्ड करना, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। अभी मैंने आपको बोला ना, मैं जरा जरूरी बात कर रहा हूँ इनसे, गगन से, आप बाद में कर लोगे मेरे को फोन?
बस एक मिनट आपसे बात करनी है। मैं एक मिनट की बात नहीं है, मेरे को उनसे बात करनी है, बहुत फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, फोन मत काटिए। मैं फोन नहीं काटना पड़ेगा ना अभी। हाँ बेटे गगन बोलिए। अंकल एक्चुअली देखिए, रोशनी की मम्मी की बात हुई थी मेरी मम्मी से भी, ठीक है। इन्होंने बात करी थी, उन्होंने तब कोई दिक्कत नहीं थी, पिछले हफ्ते की बात है। अच्छा, उन्होंने बोल दिया था अक्टूबर, बोल दिया था बेटे? हाँ जी, उन्होंने हमने उनको मैंने एक सेकंड एक तो एक एक सेकंड रुकी, कॉल वेटिंग है, एक सेकंड बेटे का होल्ड करना। हाँ नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार, मैं ठीक हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। हाँ मैं बोला ना, मैंने अभी मैं बात कर रहा हूँ, मैं करता हूँ फिर आपसे बात। बस एक मिनट आपसे बात करनी है। एक मिनट में गगन से भी बात करनी है। आप इतना क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए? भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। कौन कह रहा है आपसे? मैं नहीं लेके आया। आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए। अरे मेरे ड्राइवर से पूछिए आप, ऑर्ड लेके आया। मेरी गगन से यहाँ बात चल रही है। शुड आई कॉल यू बैक? हाँ बेटे, बेटे गगन बताइए। अंकल एक्चुअली मैं अक्टूबर में इसलिए जा रहा था क्योंकि अरे यार कॉल वेटिंग, एक सेकंड होल्ड करो बेटा। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। आई नो। बस एक मिनट आपसे बात। आप मेरे को दो मिनट दे दो ना, मैं आई एम कॉलिंग यू बैक। ये फोन मत काटिए। मैं नहीं काट रहा, आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए। अरे उनसे पूछो, आप ऑफिस वालों से नहीं लाया मैं। आप मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए। इवन कौन क्या यार, 7 इवन होता है भाई। हेलो 7 इवन होता है, ऑड होता है। आप बताइए, भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए। अरे यार मेरी गाड़ी है, आप देखिए ये आप गलत कर रहे हैं। लड़ना नहीं, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। आप देखिए मेरी रिश्ते की बात चल रही है मेरे वो। हाँ बेटे बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं चाहते जी, आप शादी कभी भी करवा लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इनसे बुरी बात। अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इनसे मैं करता रहता हूँ, रोज बात होती है। नमस्कार जी। मैं नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल। आई नो दिस थिंग, आई नो। बस एक मिनट आपसे बात करनी है। आई एम कॉलिंग यू ना, आई एम कॉलिंग यू विद इन 2 मिनट। फोन मत काटिए। मैंने फोन काटा नहीं है अभी तक। आप बताइए प्रॉब्लम क्या है आपको? भूल से लगता है आप गलत गाड़ी ले आए हैं। भूल से आप बताइए कौन सी लग रही है आपको? आप गलती से लगता है इवन नंबर की गाड़ी ले आए हैं। 7 इज ऑड यार मैन, 7 इज ऑड। मैं आपको बड़ी इज्जत करता हूँ। लड़ना नहीं आपने किसी से? मेरी रिश्ते की बात चल रही है, उनसे बात। भाई कौन बोल रहा है? गगन नवेद बोल रहा हूँ। और ये कौन बोल रहे हैं? मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। लेकिन यार ये मैं गगन आपको बता रहा हूँ यार, ऑड इवन अगर काम कर रहा है तो प्लीज फॉलो करिएगा इस चीज को। हाँ हेलो मिस्टर बलदेव। हेलो मिस्टर बलदेव जी, बोल रहा हूँ। डोंट माइंड बट आप आजकल परेशान लग रहे हैं। कौन सा बोल रहे हैं? नो मिस्टर बलदेव, मैं इसमें वक्त बिताने नहीं चाहता। मुझे यूं मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त ने मुझे बताया था कि आप आजकल बहुत परेशान हैं बिजनेस को लेकर। क्या मिस्टर बलदेव, ये छोटी मोटी चीजें हैं, ये छोटी मोटी चीजें हैं। अब अगर आप इन चीजों पे बहुत परेशान हो जाएंगे कि तो आगे बड़ी चीजें कैसे होंगी। मैंने आपको इस वक्त यूं कॉल किया कि मैं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर सकूं, यू नो। ऐसे अगर आप अब भी सोच रहे होंगे मैं कौन बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप मारिए मुझे गोली। मैं चाहता हूं आप सिर्फ खुश रहिए, आप सिर्फ खुश रहिए। और मुझे बताइए अपना समझ के, या किसी को भी बता दीजिए क्या प्रॉब्लम क्या है, क्यों परेशान रहते हैं आप? ये बस कुछ समझ नहीं आ रहा है कि पैसा कहाँ लगाऊं। नहीं नहीं पैसा, मुझे ये भी पता चल गया था कि आप प्रॉपर्टी में ये अभी प्रॉब्लम हो रही है कि लगाऊं नहीं लगाऊं, कहाँ लगाऊं क्या करूं, राइट?